विधानसभा उपचुनाव के पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी अंतर विरोधियों से जूझ रही है। ऐसे में टिकट वितरण को लेकर दोनों ही पार्टियों में बगावत के स्वर मुखर रहे हैं। ताजा मामला बदनावर सीट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत से जुड़ा हुआ है, जहां से राजवर्धन सिंह दत्ती गांव जो सिंधिया खेमे से भाजपा में शामिल हुए हैं, उन्हें उपचुनाव में भाग्य आजमाने का मौका दिया जा रहा है। इसको लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में खासी नाराजगी है। हालांकि भंवर सिंह शेखावत बदनावर विधानसभा सीट से पहले ही चुनाव हार चुके हैं, लेकिन दोबारा अपने स्तर से टाल ठोक रहे हैं। यही नहीं, इसको लेकर उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को भी निशाने पर लिया। इन सबके बीच इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि पार्टी की जानकारी में पूरा मामला है और वरिष्ठ नेताओं को मनाने की कोशिश की जाएगी। लोकसभा इसके लिए, राज्यसभा के लिए जो क्रॉस वोटिंग हुई थी, उसमें कोई व्यापक कार्रवाई विधायकों के ऊपर नहीं की, खाली एक माफीनामा लिखा गया, खानापूर्ति कर दी गई। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या ऐसा लगता है जबकि क्रॉस वोटिंग हुई है, कहीं ना कहीं पार्टी के साथ के लिए, आने वाले भविष्य के लिए तो एक अच्छा संकेत नहीं है? देखिए, पार्टी स्तर पर उस पर चर्चा हुई और पार्टी ने उनसे चर्चा भी की और उन्होंने उनको नोटिस भी दिया। नोटिस में उन्होंने उसको गलती का एहसास भी हुआ। मुझे लगता पार्टी के सब ध्यान में आए और भारतीय जनता पार्टी ये समय पर ही उचित कदम उठाती है। वैसे पार्टी के वरिष्ठ लोगों के ध्यान में है सब बात। ठीक है, तो कुछ कार्रवाई या किसी तरह का किसी और, क्योंकि आने वाले वक्त में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए कोई स्टैंड, क्योंकि विरोध तो हर जगह पे हो रहा है। तो आपके वरिष्ठ नेता भंवर सिंह जी और तमाम तरह के लोग भी विरोध के सुर मुखर कर रहे हैं। देखिए, विरोध तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके मन में जो भाव थे उन्होंने बोले, पर ये उनको उचित प्लेटफॉर्म पर बोलना चाहिए, न कि सार्वजनिक। मुझे लगता है पार्टी उनसे भी चर्चा करेगी और वो पार्टी वालों से भी चर्चा करेगी। पार्टी इन सब विषय पर गहन चिंतन भी कर रही है, मनन भी कर रही है और आवश्यक कार्रवाई भी कर रही है।